हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। साप्ताहिक करंट अफेयर सीरीज में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग 53वां एपिसोड लेकर के आए हैं, जो कि कवर करेगा 27 जनवरी 2020 से 2 फरवरी 2020 के बीच बनी सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को। तो आप पूरा वीडियो ध्यान से देखिए, वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपने ज़रूरतमंद दोस्तों को शेयर भी कीजिए ताकि उन्हें भी फ़ायदा मिल सके। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। और हाँ, ये अब कंटिन्यू हर मंडे को आएगी जी, तो आपको हर मंडे को 11 बजे साप्ताहिक करंट अफेयर के सीरीज मिलेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। बीते दिनों अंतर्राष्ट्रीय सीमा शुल्क दिवस यानी इंटरनेशनल कस्टम्स डे के रूप में कब मनाया गया है? तो ये हर साल 26 जनवरी को मनाया जाता है जी, इंटरनेशनल कस्टम डे, अंतर्राष्ट्रीय सीमा शुल्क दिवस। ठीक है, एक्चुअली 26 जनवरी को अपने देश में रिपब्लिक डे भी मनाया जाता है। 26 जनवरी 1953 को पहली बार विश्व सीमा शुल्क दिवस मनाया गया था वर्ल्ड कस्टम ऑर्गेनाइजेशन द्वारा। ठीक है ना, और मुख्यालय इसका ब्रुसेल्स बेल्जियम में है। बीते दिनों अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय ने किस देश को रोहिंग्या मुसलमान को सुरक्षा मुहैया कराने का आदेश दिया है? तो ये आदेश दिया है जी म्यांमार सरकार को। ठीक है ना, म्यांमार जो अपने देश के पड़ोसी देश है। ICJ के बारे में जानेंगे, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, जिसका एस्टेब्लिशमेंट हुआ था 1945 में, लोकेशन द हेग नीदरलैंड में है जी। और यहाँ पर जजों का जो टर्म होता है वो 9 साल होता है और कुल 15 जज होते हैं ICJ में। बीते दिनों किस राज्य में 644 उग्रवादियों ने मुख्यमंत्री के सामने आत्मसमर्पण किया है? तो ये आत्मसमर्पण असम सरकार के सामने किया है, मतलब सर्बानंद सोनोवाल जो कि वहाँ के मुख्यमंत्री हैं उनके सामने किया है। अब असम के कुछ नेशनल पार्क के बारे में जानेंगे, डिब्रू साइकोवा नेशनल पार्क, काजीरंगा नेशनल पार्क, मानस नेशनल पार्क, नामेरी नेशनल पार्क और ओरांग नेशनल पार्क। बीते दिनों किस देश ने सतह से सतह पर मार करने वाली बैलिस्टिक मिसाइल गजनवी का सफल परीक्षण किया है? तो ये किया है जी पाकिस्तान ने। ठीक है ना, पाकिस्तान के बारे में जानेंगे, पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद है और यहाँ का लैंग्वेज इंग्लिश और उर्दू है जी। प्रेसिडेंट आरिफ अलवी हैं, प्राइम मिनिस्टर इमरान खान हैं जो एक क्रिकेटर रहे हैं, और करेंसी वहाँ के पाकिस्तानी रुपीज़ हैं। बीते दिनों महाराष्ट्र के बाद अब किस राज्य सरकार ने स्कूलों में संविधान की प्रस्तावना पढ़ना अनिवार्य कर दिया है? तो ये राज्य है मध्य प्रदेश। ठीक है ना, मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल है। अब मध्य प्रदेश में कुछ नेशनल पार्क है, उसके बारे में जानते हैं। बांधवगढ़ नेशनल पार्क, कान्हा नेशनल पार्क, माधव नेशनल पार्क, पन्ना नेशनल पार्क, पेंच जिसको प्रियदर्शनी नेशनल पार्क भी कहते हैं, संजय गांधी नेशनल पार्क, सतपुड़ा नेशनल पार्क और वन विहार नेशनल पार्क। बीते दिनों सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार 2020 किसे प्रदान किया गया है? तो ये है कुमार मुन्नन सिंह। हालांकि ये दो प्रकार से दिया जाता है जी आपदा पुरस्कार, मैं उसके बारे में बताता हूँ आपको। ये एक मतलब पर्टिकुलर लोगों को भी दिया जाता है और किसी संगठन को दिया जाता है, तो पर्टिकुलर में दिया गया है मुन्नन सिंह को। और अगर संगठन की बात किया जाए तो उत्तराखंड के आपदा निम्नीकरण व प्रबंध केंद्र को दिया गया है जी, और मैंने बताया व्यक्तिगत श्रेणी में IPS कुमार मुन्नन सिंह को दिया गया है। अगर ये किसी संगठन को दिया जाता है तो 51 लाख रुपया और एक प्रमाण पत्र दिया जाता है, जबकि अगर किसी सिंगल को दिया जाता है तो 5 लाख रुपया दिया जाता है। बीते दिनों भ्रष्टाचार अवधारणा सूचकांक यानी करप्शन परसेप्शन इंडेक्स में भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? तो इसमें भारत का 2 अंक का गिरावट हुआ है जी, 80वें स्थान पर चला गया है। लास्ट टाइम ये 78वें स्थान पर था और 80वें स्थान पर, हालांकि और भी कई देश है, 5 देश है कुल, मैं बताता हूँ आपको। ये जो सूचकांक है वो बताता है कौन, ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल, तो आपको ये नाम याद रखना चाहिए। ये दावोस में जहाँ WEF का वार्षिक बैठक चल रही है वहाँ पर जारी किया गया। सूची में डेनमार्क और न्यूजीलैंड शीर्ष पे हैं, भारत, चीन, बेनिन, घाना और मोरक्को 80वें स्थान पर है। बीते दिनों हसन दियाब को किस देश का नया प्रधानमंत्री के रूप में चुना गया है? तो ये लेबनान के नए प्रधानमंत्री बने हैं जी। ठीक है ना, लेबनान बिल्कुल आपको मेडिटेरेनियन सी के पास में दिखेगा, आप फोटो में देखिए। कैपिटल यहाँ के बेरूत है और लैंग्वेज यहाँ के अरबिक चलती है जी। प्रेसिडेंट मिकेल ऑन है, प्राइम मिनिस्टर तो यही बने हैं, करेंसी यहाँ के पाउंड चलता है, लेबनानीज पाउंड। बीते दिनों विश्व आर्थिक फोरम का क्रिस्टल अवार्ड किस भारतीय को प्रदान किया गया है? तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये दीपिका पादुकोण को दिया गया है जी। ठीक है ना, दीपिका पादुकोण हाल ही में बहुत चर्चा में रही हैं, तो इनको WEF के द्वारा ये अवार्ड दिया गया है। उन्हें मेंटल हेल्थ के बारे में अवेयरनेस लाने और इस बारे में नेतृत्व करने के लिए ये अवार्ड दिया गया है। ठीक है, चलिए
बीते दिनों राष्ट्रीय पर्यटन दिवस नेशनल टूरिज्म डे के रूप में कब मनाया गया है? तो हर साल 25 जनवरी को मनाया जाता है जी, नेशनल टूरिज्म डे। इससे रिलेटेड आप एक फोटो देखिए, ठीक है। अब फटाफट रिवीजन कर लेते हैं जनवरी के कुछ इंपॉर्टेंट डे जो हमने बताए हैं। सबसे पहले 1 जनवरी को ग्लोबल फैमिली डे, वैश्विक परिवार दिवस। फिर उसके बाद 9 जनवरी को बहुत इंपॉर्टेंट NRI डे यानी प्रवासी भारतीय दिवस। फिर 11 जनवरी को लाल बहादुर शास्त्री की पुण्यतिथि मनाया। 12 जनवरी को नेशनल यूथ डे यानी राष्ट्रीय युवा दिवस। 15 जनवरी को इंडियन आर्मी डे। 24 जनवरी को राष्ट्रीय बालिका दिवस। 25 जनवरी को मतदाता दिवस और 25 जनवरी को ही नेशनल टूरिज्म डे। तो ऐसे रिवीजन करते रहिए। बीते दिनों मध्य प्रदेश सरकार के राष्ट्रीय लता मंगेशकर पुरस्कार 2018 के लिए किस भारतीय संगीतकार को चुना गया है? तो ये हैं कुलदीप सिंह, ठीक है। कुलदीप सिंह को दिया जाएगा ये अवार्ड। और 2017 के लिए सुमन कल्याणपुर को प्रदान किया जाएगा। बीते दिनों किस केंद्रीय मंत्रालय ने बिल एंड मिलिंडा गेट्स फाउंडेशन के साथ मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग यानी MOU पर हस्ताक्षर किए हैं? तो ये मंत्रालय है ग्रामीण विकास मंत्रालय, ठीक है ना। बिल एंड मिलिंडा गेट फाउंडेशन, आपको याद होगा हमारे प्रधानमंत्री जी को ग्लोबल गेटकीपर अवार्ड दिया गया था इनके द्वारा। इस वर्ष गणतंत्र दिवस के अवसर पर राष्ट्रपति ने कितने पद्म पुरस्कार प्रदान करने की मंजूरी दी है? तो कुल 144 पद्म पुरस्कार दिए जाएंगे जी, जिसमें से 7 होंगे जो पद्म विभूषण होंगे, जो कि इंडिया का दूसरा सबसे बड़ा अवार्ड है। 16 उसमें से पद्म भूषण होंगे और 118 पद्मश्री होंगे, यानी कुल 144 होंगे जी, ठीक है ना। इसमें से 33 महिलाओं को ये पुरस्कार दिया जाएगा, 18 व्यक्तियों को जो फॉरेनर हैं उनको दिया जाएगा और 12 इनमें से मरणोपरांत दिए जाएंगे, ठीक है ना। कितने में से? 144 में से। बीते दिनों किसे देश के दूसरे बड़े नागरिक सम्मान पद्म विभूषण से सम्मानित करने की घोषणा की गई है? तो आप सारे नाम पढ़िए, जॉर्ज फर्नांडिस, अरुण जेटली, सुषमा स्वराज, श्री विश्वेश्वर तीर्थ, सर अनिरुद्ध जुगनाथ, MC मैरीकॉम और छन्नूलाल मिश्रा, यानी उपरोक्त सभी नाम हैं जिनको पद्म विभूषण दिया जाएगा। अनिरुद्ध जुगनाथ जो है वो कहाँ से हैं? मॉरिशस से हैं जी। बीते दिनों किस राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर पारिकर को मरणोपरांत पद्म भूषण से सम्मानित किया गया है? देखिए, तो ये दूसरा सबसे बड़ा अवार्ड हो गया इसमें से पद्म भूषण से, और ये गोवा के थे जी, आपको पता होगा इनके बारे में, ये अपने देश के रक्षा मंत्री भी रहे थे। इनके अलावा पद्म भूषण कुछ 16 लोगों को मिला है, आनंद महिंद्रा, PV सिंधु, बालकृष्ण दोषी, मोहम्मद मुमताज अली, सैयद मुजज्जिल अली, मुजफ्फर हुसैन बैग, अजय चक्रवर्ती, मनोज दास, के जगन्नाथ, SC जमीर, अनिल प्रकाश जोशी, टी लॉन्ड और नीलकांत रामकृष्ण मेनन, बेनू श्रीनिवासन, ये सबको पद्म भूषण दिया गया है। बीते दिनों किस भारतीय पूर्व क्रिकेटर को पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो ये हैं जहीर खान, अपने देश के लिए इन्होंने बहुत सारे मैच खेले हैं और कपिल देव के बाद सबसे ज़्यादा तेज गेंदबाज हैं जो विकेट लिए हैं, ठीक है ना। ये 2011 के वर्ल्ड कप जो हम लोग जीते थे उस टीम के हिस्सा थे, और 2003 में जब वर्ल्ड कप में हम लोग फाइनल खेले थे तब भी ये टीम के हिस्सा थे। बीते दिनों किस हॉकी खिलाड़ी को पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो ये हैं रानी रामपाल, और इनको पद्मश्री अवार्ड दिया गया, जहीर खान को क्रिकेट में, और ये हॉकी में हैं, अपने देश के हॉकी टीम के कैप्टन भी हैं जी, रानी रामपाल। आप इनका एक फ़ोटो देखिए, ठीक है ना। ये महाराष्ट्र से हैं और आपको याद होगा एशियन गेम में यही कैप्टन थी जब अपनी टीम गई थी खेलने। बीते दिनों मीडिया के क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान के लिए किसे केरल मीडिया अकादमी के राष्ट्रीय पुरस्कार के लिए चुना गया है? तो ये हैं, इनको आप चेहरे से पहचानिए, ये हैं NRAM, द हिंदू के ये एडिटर जनरल हैं जी, आप इनको बहुत अच्छे से जानते होंगे, इनको बहुत सारे अवार्ड मिलते रहते हैं। बीते दिनों वर्ष 2018-19 में सब्जी उत्पादन के मामले में किस राज्य ने उत्तर प्रदेश को पीछे छोड़कर सबसे अग्रिम राज्य के रूप में उभर कर आया है? तो ये राज्य है पश्चिम बंगाल, पश्चिम बंगाल ने उत्तर प्रदेश को पीछे छोड़ा है जी। तीसरे पे मध्य प्रदेश है और चौथे पे बिहार है, ठीक है ना। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल और बिहार की राजधानी पटना, उत्तर प्रदेश का लखनऊ, पश्चिम बंगाल का कलकत्ता। पश्चिम बंगाल के बारे में थोड़ा बताता हूँ, इनके पड़ोसी राज्य हैं असम, सिक्किम, ओडिशा, झारखंड और बिहार, और पड़ोसी देश हैं नेपाल, भूटान और बांग्लादेश, ठीक है। तो ये आपको याद रखना चाहिए। बीते दिनों भारत सरकार और महाराष्ट्र सरकार ने किसके साथ 210 मिलियन अमेरिकी डॉलर
के ऋण समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। तो ये किए हैं जी वर्ल्ड बैंक के साथ, ठीक है ना। वर्ल्ड बैंक के दो अध्यक्ष हैं डेविड मालपास हैं और मुख्यालय इसके वाशिंगटन डीसी में है। अगर मैं बात करूं एशियाई डेवलपमेंट बैंक के तो इसका मुख्यालय कहाँ है, मनीला में है जी। IMF का कहाँ है जी, उसका भी न्यूयॉर्क में ही है। बात महाराष्ट्र की आई है तो महाराष्ट्र में कुछ नेशनल पार्क है, आप याद कर लीजिए एक बार फिर से, चंदोली नेशनल पार्क, गुगुमल नेशनल पार्क, नवेगांव नेशनल पार्क, संजय गांधी नेशनल पार्क, तातोबा नेशनल पार्क। बीते दिनों भारत सरकार ने कर्ज में डूबी एयर इंडिया की कितने प्रतिशत हिस्सेदारी बेचने की घोषणा की है, तो पूरे 100% क्या बोलते हैं 100% इसकी हिस्सेदारी बेचेगी जी भारत सरकार। नागरिक उड्डयन मंत्रालय के राज्य मंत्री हैं लेकिन इनके पास इंडिपेंडेंट चार्ज हैं यानी स्वतंत्र प्रभार, हरदीप सिंह पुरी। आगे बढ़ेंगे। बीते दिनों जाने माने शेर सिंह कुक्कल का निधन हो गया, वे किस क्षेत्र से संबंध रखते थे, तो भैया वे कलाकार और मूर्तिकार थे जी, ठीक है ना। इनका आप एक फोटो देखिए, यही थे शेर सिंह कुक्कल, ठीक है। इन्हें 2008-09 के दौरान केंद्रीय संस्कृति मंत्रालय द्वारा विजुअल आर्ट फोटोग्राफी में वरिष्ठ फेलोशिप से सम्मानित किया गया था और इन्हें फोटोग्राफी और पेंटिंग के लिए उत्तर प्रदेश में लखनऊ के क्वींस कॉलेज और राजीव गांधी फाउंडेशन पुरस्कार से चित्रकला में स्वर्ण पदक दिया गया था। बीते दिनों रूस और भारत के बीच में गंगा वोल्गा वार्ता का आयोजन कहाँ किया गया था, तो इंडिया में किया गया था जी, और इंडिया में कहाँ किया गया था, नई दिल्ली में, देश के राष्ट्रीय राजधानी में, ठीक है ना। मास्को रसिया की राजधानी है, अब व्लादिवोस्तोक भी रसिया में ही एक शहर है जी। इस वार्ता का थीम था कनेक्टिविटी और ये वार्ता गंगा और वोल्गा नदी प्रणाली में आर्थिक गतिविधियों पर चर्चा की गई। बीते दिनों 27 जनवरी 2020 को किस राज्य के कैबिनेट ने विधान परिषद को समाप्त करने के लिए मंजूरी दे दी है, तो भैया ये ऑफकोर्स आंध्र प्रदेश है, ठीक है ना। आंध्र प्रदेश के अलावा कुल 5 और राज्य में जहाँ विधान परिषद है जी, बिहार, महाराष्ट्र, कर्नाटक, उत्तर प्रदेश और तेलंगाना, ठीक है। अब देखते हैं इसमें से आंध्र प्रदेश शायद समाप्त कर देगा विधान परिषद। किस राज्य सरकार ने 71वें गणतंत्र दिवस के अवसर पर शिव भोजन योजना का शुभारंभ किया है, तो इस योजना का शुभारंभ करने वाला राज्य है जी महाराष्ट्र, ठीक है ना। महाराष्ट्र सरकार ने शिव भोजन योजना का शुभारंभ किया है। इस योजना के अंतर्गत वो गरीब लोगों को 10 रुपये में खाना खिलाना है जी, वो 10 रुपये में भोजन उपलब्ध कराएंगे, ठीक है ना, महाराष्ट्र सरकार ने किया है। तो महाराष्ट्र में, महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई है और महाराष्ट्र के राज्यपाल हैं भगत सिंह केशवरी, मुख्यमंत्री उद्धव बाल ठाकरे और उप मुख्यमंत्री हैं अजीत पवार। बीते दिनों किसने भारतीय बैंक संघ IBA के मुख्य कार्यकारी अधिकारी यानी CEO का पदभार संभाल लिया है, तो ये हैं सुनील मेहता, आप इनका एक फ़ोटो देखिए, ये पहले पंजाब नेशनल बैंक में थे, इन्होंने BG कानन के स्थान लिया है जी, जो 31 दिसंबर को इस्तीफा दे दिया था। इनका कार्यकाल 3 साल का होगा और IBA के प्रबंध समिति के अध्यक्ष कौन है, SBI प्रमुख रजनीश कुमार। IBA का गठन हुआ था जी 26 सितंबर 1946 को और इसका हेडक्वार्टर है मुंबई, महाराष्ट्र में, ठीक है। भारत सरकार किस शहर में जानवरों के लिए युद्ध स्मारक वॉर मेमोरियल फॉर एनिमल्स स्थापित करने की योजना पर विचार कर रही है, तो ये खोला जाएगा जी मेरठ में, उत्तर प्रदेश की एक शहर है मेरठ, और यहीं पर वॉर मेमोरियल फॉर एनिमल्स स्थापित किया जाएगा। इस स्मारक का निर्माण मेरठ के रीमाउंट एंड वेटनरी कॉप्स सेंटर एंड कॉलेज में किया जाएगा, ठीक है। बीते दिनों किसने कोच्चि में देश की पहले सुपर फैब लैब का उद्घाटन किया है, तो ये कोच्चि केरल में है और केरल के मुख्यमंत्री पिनराई विजयन ने इस सुपर फैब लैब का उद्घाटन किया है, आप इनका एक फ़ोटो देखिए। देखिए सुपर फैब लैब भी केरल में और फैब लैब, पहला फैब लैब भी केरल में ही खोला गया था, ये एक प्रकार के लेबोरेटरी होता है पूरी तरीके से डिजिटल। बीते दिनों किस देश के प्रधानमंत्री मार्जन सरेक ने अपने इस्तीफे की घोषणा कर दी है, तो स्लोवेनिया के ये प्रधानमंत्री थे जी, आप इनका फ़ोटो देखिए, आप स्लोवेनिया को भी फोटो में देखिए कहाँ पर है, स्लोवेनिया के राष्ट्रपति बोरुत पाहोर हैं और स्लोवेनिया की राजधानी जुबलंजाना है जी, मुद्रा यहाँ यूरो चलता है। बीते दिनों किस देश के बास्केटबॉल लीजेंड कोबे ब्रायंट का एक हेलीकॉप्टर दुर्घटना में निधन हो गया है, बहुत बुरा हुआ। इनका एक फ़ोटो देखिए, ये अमेरिका के थे जी, ठीक है ना, अमेरिका के बास्केटबॉल प्लेयर थे, इनकी 13 वर्षीय बेटी का भी इस एक्सीडेंट में निधन हो गया है।
बीते दिनों किसे वर्ष 2019 के हरित रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। तो भैया ये हैं डॉक्टर एन कुमार, इनका फोटो देखिए, ठीक है ना। इन्हें तमिलनाडु कृषि विश्वविद्यालय के वाइस चांसलर हैं ये, और इनको 2019 के हरित रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया है, ठीक है ना। कल मैंने बताया था कि एन राम को भी एक अवार्ड मिला है, बताइए प्लीज़। बीते दिनों किस देश की सरकार ने ब्रेग्जिट से ठीक पहले 50 पेंस का ब्रेग्जिट स्मारक सिक्का जारी करने की घोषणा की है। तो ये सरकार ब्रिटेन सरकार ने किया है जी, आपको पता ही होगा ब्रिटेन बाहर हो रहा है ब्रेग्जिट में। ब्रिटेन की राजधानी लंदन है और वहाँ के प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन हैं जी। इस सिक्के पर सभी देशों के साथ शांति समृद्ध और मित्रता लिखा हुआ है, ठीक है ना, आपको जैसा कि पिक्चर में दिख रहा होगा। बीते दिनों किसने गुजरात के गांधीनगर में तीसरे वैश्विक आलू सम्मेलन 2020 थर्ड ग्लोबल पोटैटो कॉन्क्लेव का उद्घाटन किया है। तो वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए नरेंद्र मोदी जी ने इसका उद्घाटन किया है जी। आलू संघ के वाइस चांसलर हैं SM पॉल खुराना, और इसका मुख्यालय शिमला हिमाचल प्रदेश में है। और गुजरात की बात आइए तो गुजरात में कुछ नेशनल पार्क है, जैसे गिर नेशनल पार्क, ब्लैकबक मरीन और बांसा। किस राज्य के विज्ञान केंद्र में नवाचार महोत्सव का आयोजन किया जा रहा है? तो नवाचार महोत्सव अरुणाचल प्रदेश में मनाया जा रहा है जी, बिल्कुल नॉर्थ में अपने देश के एक राज्य है। अरुणाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री पेमा खांडू हैं और अरुणाचल प्रदेश के राज्यपाल BD मिश्रा हैं जी, ठीक है ना। अरुणाचल प्रदेश में दो नेशनल पार्क हैं, मूलिंग नेशनल पार्क और नामदफा नेशनल पार्क। बीते दिनों किसे अमेरिका में भारत का नया राजदूत नियुक्त किया गया है? तो ये हैं तरनजीत सिंह संधु, आप इनका फोटो देखिए, ये जगह लेंगे हर्षवर्धन श्रृंगला का, ठीक है ना। ये हैं तरनजीत सिंह संधु, ठीक है ना। सुब्रमण्यम जयशंकर अपने देश के विदेश मंत्री हैं जी, एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर। चलिए, बीते दिनों 28 जनवरी 2020 को किस महान स्वतंत्रता सेनानी की 155वीं जयंती मनाई गई है? तो ये थे लाला लाजपत राय जी, और इनका जन्म हुआ था 28 जनवरी का, आप इनका एक फ़ोटो देखिए। इनका कथन था, मेरे शरीर पर पड़ी एक एक चोट ब्रिटिश साम्राज्य के ताबूत की कील बनेगी, ठीक है ना। इन्होंने साइमन कमीशन वापस जाओ का नारा दिया था। उनकी देशभक्ति के लिए उन्हें पंजाब केसरी और लायन ऑफ पंजाब का खिताब दिया गया था, ठीक है। बीते दिनों 71वें गणतंत्र दिवस परेड में किस राज्य की झांकी ने प्रथम पुरस्कार जीता है? तो प्रथम पुरस्कार जीतने वाला राज्य है जी असम। असम की झांकी आप फोटो में देखिए, ये असम की झांकी है, असम लिखा हुआ भी है, और ये बिल्कुल बांस से बना हुआ है जी, ठीक है ना। इस झांसी की थीम थी विषय अद्वितीय शिल्प कौशल और संस्कृति की भूमि, लैंड ऑफ यूनिक क्राफ्ट्समैनशिप एंड कल्चर। वहीं उत्तर प्रदेश और उड़ीसा दूसरे स्थान पर रहा। NDRF और जल शक्ति मिशन ये मंत्रालयों के विभाग में सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार जीते हैं जी, ठीक है। बीते दिनों किसने पुणे में सीनियर नेशनल बिलियार्ड्स चैंपियनशिप खिताब जीती है? तो ये हैं पंकज आडवाणी, आप इनका एक फ़ोटो देखिए, ये बेस्ट हैं जी, इस गेम का ये सहंसा हैं, और इन्होंने ये जीता है सौरभ कोठारी को हरा करके। सौरभ कोठारी को इन्होंने 5-2 से हरा करके ये खिताब अपने नाम किया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। बीते दिनों भारत के नीरज चोपड़ा ने टोक्यो ओलंपिक 2020 के लिए क्वालिफाई कर लिया है, वे किस खेल से जुड़े हैं? तो आप बताइए, ये जेवलियन थ्रोअर हैं जी, भाला फेंक में जाते हैं। आप एक, मैं आपको एक वीडियो दिखाता हूँ, देखिए कैसे भाला फेंकते हैं, आप देख रहे होंगे, बिल्कुल थोड़े से दूर से दौड़ के आते हैं, एक बार फिर से देखिए, ठीक है। चलिए अब इनके बारे में जानते हैं, ये हरियाणा के पानीपत से हैं जी, और इन्होंने राष्ट्रमंडल खेलों में स्वर्ण पदक जीता है, ठीक है ना, 20 वर्षीय नीरज चोपड़ा। 11वें डेफ एक्सपो इंडिया 2020 का आयोजन उत्तर प्रदेश के किस शहर में किया जाएगा? तो ये किया जाएगा जी वहाँ के राजधानी, उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में, 11वें डेफ एक्सपो इंडिया 2020 का आयोजन, ठीक है। ये द्विवार्षिक है जी, यानी कि हर 2 साल में ये आयोजन होता है, और लखनऊ में ये पहली बार किया जाएगा 5 फरवरी से, ठीक है। लास्ट टाइम ये चेन्नई में किया गया था। इस बार का थीम है जी रक्षा विनिर्माण का उभरता हुआ हब, भारत रक्षा विनिर्माण का उभरता हुआ हब। बीते दिनों
भारतीय रेलवे ने कचरे से ऊर्जा उत्पादन करने वाला देश के पहले सरकारी संयंत्र की स्थापना किस स्थान पर की है? तो ये भुवनेश्वर में किया है जी, 1.79 करोड़ रुपये की लागत से ये तैयार किया गया है और ये प्रत्येक दिन 500 किलोग्राम कचरा निपटान करेगा। उड़ीसा की राजधानी भुवनेश्वर है, 30 जिले हैं और उड़िया यहाँ के राजभाषा है जी। गणेशी लाल राज्यपाल हैं और नवीन पटनायक मुख्यमंत्री हैं। 147 सीटें विधानसभा में, 10 सीटें राज्यसभा में, 20 सीटें लोकसभा में। बीते दिनों किसने बेंगलुरु में इसरो के मुख्यालय अंतरिक्ष में भुवन पंचायत वितरी वेब पोर्टल का शुभारंभ किया है? तो ये हैं जितेंद्र सिंह। जितेंद्र सिंह को आप जानते हैं, इनका फोटो देखिए, इसका उद्घाटन करते हुए। इसरो के निदेशक हैं जी के सिवन और मुख्यालय बेंगलुरु में है जी। 1969 में इसका स्थापना किया गया था। बीते दिनों किसने नागपुर मेट्रो एक्वा लाइन के 18.5 किलोमीटर लंबे रूट का उद्घाटन किया है? तो ऑफकोर्स ये नागपुर मध्य महाराष्ट्र में आता है, महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने इसका उद्घाटन किया है जी। ठीक है ना, उद्धव बाल ठाकरे हैं और अजीत पवार हैं जो उप मुख्यमंत्री हैं महाराष्ट्र के। बीते दिनों शेख खालिद अब्दुल अजीज अल सानी किस देश के नए प्रधानमंत्री बने हैं? तो आपको याद होना चाहिए ये कतर के बने हैं जी। ठीक है ना, कतर जिसकी राजधानी दोहा है और आप इनका फोटो देखिए, यही हैं शेख खालिद अब्दुल अजीज अल सानी। कतर की राजधानी दोहा है और कतरी रियाल यहाँ की करेंसी चलता है जी। ठीक है ना, चलिए आगे बढ़ते हैं। बीते दिनों किसने यशवंत सिन्हा की आत्मकथा रिलेंटलेस का विमोचन किया है? तो ये विमोचन किए हैं जी प्रणब मुखर्जी, हमारे देश के पूर्व राष्ट्रपति हैं। ठीक है ना, इनका फोटो देखिए, साथ में शशि थरूर भी दिखेंगे आपको, यशवंत सिन्हा भी दिखेंगे। और इन्होंने दो बार वित्त मंत्रालय का कार्यभार संभाला है, चंद्रशेखर जी जब पीएम थे और अटल बिहारी वाजपेयी जब पीएम थे। बीते दिनों किस राज्य सरकार ने राज्य में पहले वर्चुअल पुलिस स्टेशन का उद्घाटन किया है? तो ये राज्य है जी ओडिशा। ओडिशा के, जैसा कि मैंने बताया अभी आपको, नवीन पटनायक यही हैं, उड़ीसा के मुख्यमंत्री हैं और इन्होंने ही वर्चुअल पुलिस स्टेशन का उद्घाटन किया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है, पश्चिम बंगाल में हुगली नदी के नीचे चलने वाली देश की पहली अंडर वाटर मेट्रो परियोजना कब तक पूरा कर लिया जाएगा? तो भैया ये इसका सही आंसर है मार्च 2022 तक। ठीक है ना, मार्च 2022 तक। आप इससे रिलेटेड एक फ़ोटो देखिए, कोलकाता मेट्रो रेल कॉरपोरेशन द्वारा ये बनाया जा रहा है, जिसके प्रबंध निदेशक हैं यानी MD हैं मानस सरकार और इसके अध्यक्ष हैं सुनीत शर्मा। 2008 में इसका गठन हुआ था। बीते दिनों ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस ने वर्ष 2019 का ऑक्सफोर्ड हिंदी वर्ड किस शब्द को चुना है? तो इन्होंने संविधान शब्द को चुना है जी 2019 के लिए, वेस्ट वर्ड। ठीक है ना, संविधान आजकल बहुत चर्चे में है। ऑक्सफोर्ड का इंग्लिश वाला जो वर्ड है वो क्लाइमेट इमरजेंसी है और मरियम का देह है। देखिए, भारत में शहीद दिवस के रूप में कब मनाया जाता है? तो ये क्वेश्चन पूरी तरीके से कंप्लीट नहीं है, एक्चुअली 30 जनवरी को मनाया जाता है जी, महात्मा गांधी के शहीद होने के दिन पर शहीद दिवस। हालांकि भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव के जन्म मतलब मृत्यु जिस दिन हुआ था, फांसी हुआ था, उस दिन को भी हम लोग शहीद दिवस ही मनाते हैं। मोहनदास करमचंद गांधी को महात्मा गांधी के नाम से जाना जाता है। स्वतंत्रता आंदोलन में उनके निस्वार्थ योगदान के लिए गांधी जी को बापू भी कहा जाता है। उन्हें अनाधिकारिक रूप से राष्ट्रपिता भी कहा जाता है। ठीक है ना, तो शहीद दिवस आप 30 जनवरी को ही याद करेंगे, वैसे 23 मार्च को भी मनाया जाता है। बीते दिनों देश का अगला विदेश सचिव के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो अब तक कौन थे बताइए जरा, विजय गोखले जी थे, अब बन गए हर्षवर्धन श्रृंगला। ये देखिए एस जयशंकर जी के साथ हैं हर्षवर्धन श्रृंगला, ये अब तक USA में राजदूत थे जी। ठीक है ना, अब USA में राजदूत बन गए हैं सिंधु जी। बीते दिनों भारत के 18 वर्षीय साइकिलिस्ट SO अल्बेन ने 6-day बर्लिन टूर्नामेंट में कौन सा पदक जीता है? तो इन्होंने गोल्ड मेडल जीता है जी, स्वर्ण पदक। ठीक है, इनका फोटो देखिए, ये अंडमान निकोबार से आते हैं। यह जो टूर्नामेंट है वो 6 दिन तक चलता है और इस प्रतियोगिता में भाग लेने वाले वे प्रथम भारतीय हैं जी। ठीक है ना, उन्होंने पुरुषों के किरीन श्रेणी में ये पदक जीता है। बीते दिनों केंद्रीय सामाजिक न्याय व सशक्तिकरण मंत्रालय ने दिव्यांगजनों के सशक्तिकरण
पुनर्वास व कौशल विकास के लिए कहाँ कंपोजिट रीजनल सेंटर यानी CRC लॉन्च किया है? तो भैया ये किया गया है पोर्ट ब्लेयर में। पोर्ट ब्लेयर कहाँ है? अंडमान निकोबार की राजधानी है। इसके अलावा कोझिकोड, भोपाल, लखनऊ, पटना, गुवाहाटी, श्रीनगर, अहमदाबाद, मंडी और सुराघी में ये CRC यानी कंपोजिट रीजनल सेंटर खोला जा चुका है, ठीक है ना। इनके बाद ये अभी अभी नया खुला है कहाँ? पोर्ट ब्लेयर में, जो कि अंडमान और निकोबार की राजधानी है जी। 34वें सूरज कुंड अंतर्राष्ट्रीय शिल्प मेले का आयोजन 1 से 16 फरवरी के बीच कहाँ आयोजित किया जाएगा? तो ये फरीदाबाद में किया जाएगा जी। हरियाणा के एक जगह है फरीदाबाद, वहाँ पर सूरज कुंड मेला का आयोजन किया जाएगा। इस वर्ष सूरज कुंड मेले का थीम राज्य है हिमाचल प्रदेश। बीते दिनों सीपरी की नई रिपोर्ट के मुताबिक अमेरिका के बाद विश्व का दूसरा सबसे बड़ा हथियार उत्पादक देश कौन है? तो अब नया बन गया है जी चीन। चीन अब दूसरा सबसे बड़ा हथियार उत्पादक देश बन गया है। पहले स्थान पे तो अमेरिका ही है, ठीक है। 2017 तक ये छठे स्थान पर था। सोच लीजिए कि अगले 3 सालों में ये सेकंड पे आ गया है। सीपरी की स्थापना 1966 में की गई थी। सीपरी का पूरा नाम स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट है जी। बीते दिनों आई नीति आयोग की एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट की सूची में कौन सा जिला पहले स्थान पर रहा है? तो उत्तर प्रदेश के चंदौली जिला जो है वो फर्स्ट प्लेस पर रहा है जी। बोलनगीर उड़ीसा के सेकंड स्थान पर, बाईसार आंध्र प्रदेश के तीसरे स्थान पर रहा है, झारखंड के साहिबगंज चौथे पे और पाँचवें पर असम के हैलाकंडी जिला रहा है। बीते दिनों किस शहर ने कान्हा शांति वनम में दुनिया के सबसे बड़ा मेडिटेशन सेंटर का उद्घाटन किया है? तो ये हैदराबाद में किया गया है जी। हैदराबाद शहर के कान्हा शांति वनम में किया गया है इसका उद्घाटन। इससे रिलेटेड थोड़ा और जानते हैं। तेलंगाना के राजधानी हैदराबाद में स्थित कान्हा शांति वनम में दुनिया का सबसे बड़े मेडिटेशन सेंटर का उद्घाटन किया गया है। इस सेंटर का निर्माण श्री रामचंद्र मिशन और हार्टफुलनेस इंस्टीट्यूट के गठन की 75वीं वर्षगांठ के अवसर पर किया गया है। इसमें करीब 1 लाख लोग एक साथ ध्यान लगा सकते हैं। चलिए, बीते दिनों टेरी ने वर्ल्ड सस्टेनेबल समिट 2020 का आयोजन कहाँ किया है? तो इन्होंने नई दिल्ली में किया है जी इस समिट का आयोजन। टेरी के बारे में जानेंगे। इस वर्ष की थीम्स है टूवर्ड्स 2030 मेकिंग द काउंट काउंट, ठीक है। टेरी का महानिदेशक डॉक्टर अजय माथुर है और इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है जी। टेरी की स्थापना 1974 में किया गया था। संस्थापक दरबारी एस सेठ थे। सुप्रीम कोर्ट ने भारत सरकार को अफ्रीकी चीते को लाकर बसाने की मंजूरी दे दी। सुप्रीम कोर्ट ने दे दी है जी। ये चीते किस देश से लाए जाएंगे? तो ये नामीबिया से लाए जाएंगे जी, ठीक है ना। अफ्रीकी देश है, दक्षिण अफ्रीका से ऊपर है नामीबिया। 2003 के वर्ल्ड कप में ये टीम हिस्सा लिया था। बीते दिनों 16वां अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव का शुरुआत कहाँ किया गया है? तो ये महाराष्ट्र के राजधानी मुंबई में किया गया जी। 16वां अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव का शुभारंभ या आप कहिए शुरुआत किया गया है, ठीक है ना। तो आप याद रखेंगे इसे। आगे बढ़ते हैं। बीते दिनों किस देश ने पृथ्वी पर अब तक के सबसे अधिक ऊंचाई वाले क्षेत्र पर फैशन शो का आयोजन कर एक नया गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड कायम किया है? तो ये नेपाल ने किया है जी, ठीक है ना। ऑफकोर्स नेपाल ही कर सकता है क्योंकि नेपाल के पास सबसे ज़्यादा ऊंचाई पर हिमालय बसा हुआ है, ठीक है ना। नेपाल की राजधानी काठमांडू है। प्रेसिडेंट वहाँ के विद्यादेवी भंडारी हैं और वाइस प्रेसिडेंट हैं जी नंद किशोर पूर्ण। KP शर्मा ओली वहाँ के प्रधानमंत्री हैं। करेंसी रुपया चलता है। बीते दिनों किस भारतीय खिलाड़ी ने प्रतिष्ठित वर्ल्ड गेम्स एथलीट ऑफ द ईयर 2019 पुरस्कार जीतने वाली विश्व की पहली महिला हॉकी खिलाड़ी बन गई हैं? तो ये हैं रानी रामपाल जी, ठीक है। इनका फ़ोटो देखिए, ये अपने देश के हॉकी टीम के कैप्टन हैं और ये पहली हॉकी प्लेयर है जिनको ये अवार्ड दिया गया है। यह पुरस्कार सामाजिक कार्य व उचित व्यवहार के साथ उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए दिया जाता है। बीते दिनों भारतीय रिजर्व बैंक ने किसे मौद्रिक नीति समिति MPC का सदस्य नियुक्त किया है? तो इन्होंने उप गवर्नर जो बोलते हैं जी
जनक राज को किया है, इस का सदस्य नियुक्त किया है। ठीक है, इनकी जो नियुक्ति हुई है एमडी पात्रा के स्थान पर की गई है। ठीक है, और एमपीसी के अध्यक्ष कौन होते हैं? आरबीआई के गवर्नर, और आरबीआई के गवर्नर कौन है? शक्तिकांत दास। बीते दिनों भारतीय तट रक्षक बल आईसीजी इंडियन कोस्ट गार्ड द्वारा हाई स्पीड इंटरसेप्टर नाव C-448 को कहाँ अपने बेड़े में शामिल किया है? तो इन्होंने मंगलुरु में किया है जी। ठीक है, मंगलुरु कर्नाटक में है और वहाँ पर इन्होंने अपने बेड़े में शामिल किया है। ठीक है, आदर्श वाक्य आईसीजी का है वयम रक्षाम बी प्रोटेक्ट, मतलब हम रक्षा करते हैं। भारत और बांग्लादेश के बीच 3 से 16 फरवरी के बीच संप्रीति 9 अभ्यास का आयोजन कहाँ किया जाएगा? तो भैया ये मेघालय में किया जाएगा, संप्रीति 9, मतलब 9 बोले तो 9वां संस्करण है ये। ये अल्टरनेट होता है जी, एक बार अपने देश में तो अगले साल बांग्लादेश में होता है। ये मेघालय के उमरोई में किया जाएगा। मेघालय में 3 पहाड़ियों का नाम बताइए जो बहुत फेमस है। बीते दिनों किस विश्वविद्यालय ने अपने वार्षिक दीक्षांत समारोह में नोबेल पुरस्कार विजेता अभिजीत विनायक बनर्जी को डायरेक्टर डॉक्टरेट ऑफ लेटर्स डी लिट की उपाधि प्रदान की है? तो ये है जी कलकत्ता विश्वविद्यालय। ठीक है, कलकत्ता यूनिवर्सिटी ने ये दिया है। बीते दिनों जम्मू कश्मीर के किस पत्रकार ने पेन गौरी लंकेश अवार्ड 2019-2020 जीता है? तो ये हैं यूसुफ जमील। आप इनका एक फ़ोटो देखिए, पत्रकार हैं और ये जम्मू कश्मीर से हैं। आपको पता होगा गौरी लंकेश अवार्ड पहला किसको दिया गया था? रवीश कुमार जी को दिया गया था। ठीक है ना, चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल देखेंगे। बीते दिनों विनय मोहन क्वात्रा को किस देश में भारत का एम्बेसडर नियुक्त किया गया है? तो ये बने हैं जी नेपाल के, नेपाल के नए एम्बेसडर बने हैं और इनका फोटो देखिए आप, यही हैं विनय मोहन जी, नेपाल की राजधानी काठमांडू है। बीते दिनों किस दिवस को विश्व कुष्ठ दिवस वर्ल्ड लिपर्सी डे के रूप में मनाया गया है? तो 30 जनवरी को मनाया जाता है जी वर्ल्ड लिपर्सी डे के रूप में भारत में मनाया जाता है ये। ठीक है ना, और ये मनाया जाता है फ्रांसीसी एक मानवीय राउल फेरोरो ने महात्मा गांधी को श्रद्धांजलि देने के लिए यह दिवस चुना था। इस वर्ष का विषय है जी लिपरसी इजंट व्हाट यू थिंक। ठीक है, तो आप विषय याद रखेंगे। बीते दिनों पद्मश्री से सम्मानित लेखक तुषार कांजीलाल का निधन हो गया है, वे किस क्षेत्र से संबंधित थे? तो भैया वे एक सामाजिक कार्यकर्ता थे। ठीक है ना, और उनको बहुत सारे अवार्ड मिला है, उसमें से एक अवार्ड जमनालाल बजाज पुरस्कार भी 2008 में उनको दिया गया था और उनको 1986 में पद्मश्री से नवाजा गया था। इनका फोटो आप देख रहे हैं। बीते दिनों थिएटर कलाकार संजना कपूर को किस देश का विशेष सम्मान से सम्मानित किया गया है? तो इन्हें फ्रांस की विशेष सम्मान से सम्मानित किया गया है जी। उस अवार्ड को आप बहुत अच्छे से जानते हैं, उस अवार्ड का नाम है नाइट ऑफ द ऑर्डर ऑफ आर्ट्स एंड लेटर्स, तो आप याद रखेंगे। ये शशि कपूर की बेटी हैं। बीते दिनों भारतीय नौसेना ने किस देश में मानवीय सहायता और आपदा राहत प्रदान करने के लिए ऑपरेशन बनीला शुरू किया है? तो ये मेडागास्कर के लिए है जी। ठीक है, मेडागास्कर दुनिया का चौथे सबसे बड़ी आइलैंड है, पहले स्थान पे ग्रीनलैंड, दूसरे स्थान पे न्यू गिनी, तीसरे स्थान पे बोर्नियो है। नौसेना प्रमुख करमबीर सिंह है और 4 दिसंबर को भारतीय नौसेना दिवस मनाया जाता है। बीते दिनों किसने इंटर कॉन्टिनेंटल एक्सचेंज फ्यूचर यूरोप के साथ लाइसेंसिंग समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? तो ये हस्ताक्षर करने वाला है जी BSE बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। ठीक है ना, इसका गठन मुंबई में हुआ था और इसके MD CEO हैं आशीष कुमार चौहान और अध्यक्ष हैं विक्रमाजीत सेन। मैंने बताया था कि मुंबई में इसका स्थापना हुआ था, कब हुआ था? 9 जुलाई 1875 के, तो बहुत पुराना है। बीते दिनों रक्षा मंत्रालय का सार्वजनिक उपक्रम गार्डन रीच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स ने पनडुब्बी रोधी युद्ध पोत INS कवरती को किसे सौंपने के लिए तैयार किया है? तो ये दिया जाएगा आपको भारतीय नौसेना को जी। ठीक है ना, आप कोस्ट गार्ड मत मार दीजिएगा, भारतीय नौसेना को दिया जाएगा। बीते दिनों किसने
वोडाफोन को दिए एम पैसा अधिकार प्रमाण पत्र सर्टिफिकेट ऑफ ऑथराइजेशन को रद्द कर दिया है। तो ये किया है जी भारतीय रिजर्व बैंक ने, आरबीआई ने किया है इसका रद्द। आप इससे रिलेटेड फोटो देखिए। वोडाफोन एम पैसा लिमिटेड का गठन 13 सितंबर 2014 को किया गया था और इसके मुख्यालय हैं मुंबई महाराष्ट्र में। बीते दिनों किस मशहूर खिलाड़ी ने भारतीय जनता पार्टी यानी बीजेपी में शामिल होने की घोषणा की है? तो ये स्टार प्लेयर हैं जी, बैडमिंटन खिलाड़ी साइना नेहवाल, इनका फोटो देखिए। साइना नेहवाल ने भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कर ली है और ये दिल्ली चुनाव में बीजेपी की तरफ से प्रचार करेंगी, ठीक है। चलिए अब इनके बारे में यानी साइना नेहवाल के बारे में थोड़ा जानते हैं। ये ओलंपिक पदक जीतने वाली पहली भारतीय बैडमिंटन खिलाड़ी हैं और इन्होंने 2012 में लंदन ओलंपिक में कांस्य पदक जीता था जी। 2009 में इनको अर्जुन अवार्ड दिया गया, 2010 में पद्मश्री, 2010 में ही राजीव गांधी खेल रत्न दिया गया और 2016 में इन्हें पद्म भूषण से सम्मानित किया गया। कॉमनवेल्थ गेम्स में इन्होंने 3 गोल्ड और 1 सिल्वर और 2 ब्रॉन्ज अपने नाम किए हैं। बीते दिनों भारतीय मूल के गीता सबरवाल को संयुक्त राष्ट्र ने किस देश में अपनी रेजिडेंट कोऑर्डिनेटर नियुक्त किया है? तो इनको किया है जी थाईलैंड में, इनका फोटो देखिए। थाईलैंड से पहले ये मालदीव सहित 5 एशियाई देशों में विकास, शांति, शासन और सामाजिक निर्माण का 25 साल का इनका अनुभव है जी। थाईलैंड के कैपिटल बैंकॉक है और ऑफिशियल लैंग्वेज यहाँ की थाई है, करेंसी बहुत चलती है, आपको फोटो में दिख रहा होगा थाईलैंड। चलिए आगे बढ़ते हैं। बीते दिनों टॉम कंपनी, याद होगा आपको इस कंपनी का नाम, द्वारा जारी ट्रैफिक इंडेक्स 2019 के मुताबिक विश्व का सबसे अधिक ट्रैफिक वाला शहर कौन सा है? तो अपने देश के बेंगलुरु शहर है जो टॉप पे है जी, ठीक है ना। यातायात रिपोर्ट ये 57 देशों के 416 शहरों में किया गया था। फिलीपींस का मनीला है जो दूसरे नंबर पर है, जहाँ पर एडीबी का मुख्यालय भी है जी। कोलंबिया के राजधानी बोगोटा तीसरे स्थान पर है। यातायात के सबसे ख़राब 5 शहरों में भारत के चौथे स्थान पर और 5वें स्थान पर मुंबई और पुणे हैं। दिल्ली 8वें स्थान पर है जी। राष्ट्रीय खेलों के आधिकारिक शुभंकर रूबी गुला कलगी बुलबुल का अनावरण किया गया। राष्ट्रीय खेलों के 36वें संस्करण की मेजबानी कौन करेगा? तो भैया ये गोवा करेगा, गोवा के राजधानी पणजी में ये 36वां संस्करण किया जाएगा राष्ट्रीय खेलों का। गोवा के मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत हैं, राज्यपाल सत्यपाल मलिक हैं जी और केंद्रीय युवा मामले और खेल मंत्री हैं किरण रिजिजू। बीते दिनों वर्ष का पहला ग्रैंड स्लैम खिताब ऑस्ट्रेलियन ओपन किसने जीता है? तो ये हैं सोफिया केनिन, अमेरिका के हैं और ये अमेरिका के तरफ से जीते हैं जी। इन्होंने अपने पहला जीता है गर्वाइन मुगुरुजा जो स्पेन के हैं उनको हरा करके। 21 वर्षीय अमेरिका के सोफिया केनिन ने करियर का पहला ग्रैंड स्लैम खिताब जीता है। ये देखिए मैंने 2019 के बताया था आपको, महिला एकल में नोआमी ओसाका जीते थे और पुरुष एकल में नोवाक जोकोविच जीते हैं, तो आपको ये भी याद रखना चाहिए, मैंने इस पर वीडियो बनाया था, आपको याद होगा। बीते दिनों किसने चीन के कोरोना वायरस के बढ़ते प्रकोप के चलते अंतर्राष्ट्रीय आपातकाल स्थिति की घोषणा की है? तो इसका सही आंसर है जी WHO, विश्व स्वास्थ्य संगठन ने, ठीक है ना। विश्व स्वास्थ्य संगठन का मुख्यालय कहाँ है? जिनेवा स्विट्जरलैंड में। अब महानिदेशक हैं टेड्रोस एडेनो, इसका स्थापना 7 अप्रैल 1948 को की गई थी, ठीक है। चलिए बीते दिनों किसने कम लागत वाले सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल्स विकसित करने की घोषणा की है? तो ये गर्व की बात है और ये इसरो ने किया है जी, ये गौरवपूर्ण घोषणा किया है। इसकी लागत 30 से 35 करोड़ इन्होंने बताया है और ये 500 किलोग्राम वजन के उपग्रह को कक्षा में भेज सकेगी। बीते दिनों भारतीय वायुसेना ने AN-32 विमान ने जैव जेट ईंधन के 10% मिश्रण से किस हवाई अड्डे पर उड़ान भरी और सफलतापूर्वक लैंडिंग भी की है? तो ये किया जी लेह हवाई अड्डे, कहाँ पर है? लद्दाख में। भारत के एयर चीफ मार्शल हैं RKS भदौरिया, राकेश कुमार सिंह भदौरिया, और इसका आदर्श वाक्य पढ़िए जी। बीते दिनों किस देश
की फुटबॉलर क्रिस्टीन सिंक्लेयर विश्व की सबसे अधिक गोल करने वाली खिलाड़ी बनी है। तो ये कनाडा के हैं, आप इनका एक फ़ोटो देखिए। इन्होंने अपने कैरियर का 185वां गोल दागा है जी, और इन्होंने 144 गोल के रिकॉर्ड को तोड़ा है। पुरुष श्रेणी में 109 गोल सबसे ज़्यादा है। कैबिनेट नियुक्ति समिति ने किसे केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर व सीमा शुल्क बोर्ड का नया चेयरमैन नियुक्त करने के लिए मंजूरी दे दी है। तो अब बनेंगे एम अजीत कुमार। एम अजीत कुमार अब तक इसके सदस्य थे सीबीआईसी का। सीबीआईसी मतलब सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस एंड कस्टम। और ये जगह लेंगे प्रणब कुमार दास, ठीक है ना। अब तक यही थे चेयरमैन, प्रणब कुमार दास। चलिए आगे बढ़ते हैं। बीते दिनों भारत की पहली महिला अंतरिक्ष यात्री कल्पना चावला की पुण्यतिथि कब मनाई गई है? तो 1 फरवरी को, आपको बहुत अच्छे से याद होगा, 1 फरवरी 2003 को इनका स्पेस शटल जो था वो क्रैश कर गया था पृथ्वी के वातावरण में पहुंचने से पहले ही, मात्र 16 मिनट पहले इनका, मतलब लैंड करने में सिर्फ 16 मिनट रह गए थे और वो क्रैश कर गए थे जी। बीते दिनों बहुराष्ट्रीय आईटी कंपनी आईबीएम यानी इंटरनेशनल बिजनेस मशीन के नए सीईओ किसे नियुक्त किया गया है? तो ये हैं अरविंद कृष्णा, आप इनका एक फ़ोटो देखिए, यही हैं। और ये आईआईटी कानपुर से पास आउट हुए हैं जी, ठीक है ना। और ये अब जगह लेंगे गिनी रोमती का, ठीक है ना। गिनी रोमती के स्थान पर ये आईबीएम के सीईओ बनेंगे, अच्छी बात है। चलिए तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले एपिसोड में। नमस्कार।